नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन लेकर हाजिर हूँ 12th क्लास चैप्टर 2 प्रोसेस फंक्शंस एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट की फंक्शंस। कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज की फंक्शंस एंड सेकंड इज एक्सिलरी फंक्शंस, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्यों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य कार्य को हमने कल 5 भागों में देखा था। नंबर 1 प्लानिंग, सबसे पहले हमने कल बात की प्लानिंग की। फिर हमने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 इज डायरेक्शन, नंबर 4 कंट्रोल और नंबर 5 कोऑर्डिनेशन। ये 5 जो है ये की फंक्शंस हैं। अब इन की फंक्शंस के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लानिंग की। प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग जो शब्द है वो प्लान से मिलके बना है, ठीक है, प्लान से बना है। और प्लान का मतलब क्या है? कुछ भी करने से पहले आप जो सोच विचार करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले आप जो रूपरेखा तैयार करते हैं, आप जो सोच विचार करते हैं, उस सोच विचार को हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं, ठीक है। और प्लान करने की जो क्रिया है, प्लान करने की जो एक्टिविटी है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? तो इट्स ए प्री डिटर्मिनेशन। प्लानिंग जो है ये एक प्री डिटर्मिनेंस ऑफ द गोल्स, ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। और हम इसके बाद बात करें इसके एलिमेंट्स की, तो इसके एलिमेंट जैसे ऑब्जेक्ट है, इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट्स, इट्स डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट और प्रोसीजर्स, बजट, ये इसके एलिमेंट्स है। ऑब्जेक्ट क्या है? उद्देश्य। प्रोसीजर क्या है? क्रिया विधि। बजट क्या है? तो बजट आपके एक फाइनेंशियल प्लानिंग है, बजट। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्लानिंग की, ठीक है। एडवांस डिटर्मिनेशन है, प्री डिटर्मिनेशन है, जिसमें हम पहले से ये तय कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, इन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो हम प्लानिंग में कर लेते हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब चीज़ किस में शामिल होती है? प्लानिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डिटरमाइन एसेंशियल वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले बात तो इसमें डिटरमिनेशन ऑफ एसेंशियल वर्क, क्या काम करना है, क्या कितने रिसोर्सेज की हमें नीड है, ठीक है, क्या हमें काम करना है और रिसोर्सेज हैं उन उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है। जो हमारे पास में 2 types रिसोर्सेज है, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना और उनको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देना ताकि वो अपना एक निश्चित काम जो उन्हें सौंपा जाए वो कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार का स्पाइनल कोड है, हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिसके सहारे हमारा पूरा शरीर जो ये है ये टिका होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, फर्म की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करते हैं डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका हमें कैसे उपयोग करना है, यह देखना ही क्या है, डायरेक्शन है। सबॉर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं फर्म के अंदर, जो वर्कर जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, उन्हें ये बताना कि आपको काम कैसे करना है, उनको दिशा निर्देश देना, उनको ये बताना हाउ टू डू योर वर्क, काम कैसे करना है उनको समझाना, ताकि वो कम से कम गलतियां कर सके, मिस्टेक कम से कम हो सके और एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ काम हो सके। तो हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, इट्स वी कॉल डायरेक्शंस। डायरेक्शन सेज हाउ टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जस्ट सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स पर्यवेक्षण या वॉचिंग। सुपरविजन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे वॉचिंग डॉग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह निगरानी रखता है एम्प्लॉयज के ऊपर, सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो उन्हें बताया जाता है कि इस काम को इस प्रकार से न करें, ताकि उनकी जो मिस्टेक्स हैं, ताकि उनकी जो गलतियां हैं वो कम से कम हो सके। इसका एम जो होता है, इसका एम यही होता है काम को इजी भी प्रदान करना, काम को सरलतम रूप प्रकट करना, और मिस्टेक्स जो होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं वो कम से कम हो। क्योंकि जब व्यक्ति को यहाँ पर डायरेक्शन मिल जाएगा प्रॉपर, तो व्यक्ति कम करेगा। सुपरविजन में देखा जाता है व्यक्ति काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सुपरविजन के बाद में है लीडरशिप। लीडरशिप एक मैनेजर जो होता है एक नेता की भांति खुद किसी काम को करके दिखाता है, ठीक है, और लोगों को बताता है कि आपको ये काम ऐसे करता है, लोगों के अंदर जोश और जुनून भरता है एक नेता की भांति। तो एक नेतृत्व के रूप में काम करता है एक डायरेक्टर, एक मैनेजर। तो यहाँ पर सेकेंड जो इसका एलिमेंट है वो है लीडरशिप। तीसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन में मोटिवेशन क्या है, तो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करना, उसकी सोई हुई शक्ति को जागृत करना, ताकि वह व्यक्ति काम के प्रति दिल तन मन से काम कर सके। तो व्यक्ति को जागृत करना, मोटिवेट करना, ये मोटिवेशन। और कम्युनिकेशन के बारे में कहा जाता है कि एक मैनेजर जो होता है वो अपनी लाइफ में 90% अगर कोई काम करता है तो वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, विचारों का आदान प्रदान। आज जो मेरे मन में विचार है, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन बातों को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो एक व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, एक जो प्रबंधक होता है वो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम करता है तो कम्युनिकेशन करता है। कभी इंटरनल लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करता है, कभी एक्सटर्नल लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करता है, कभी अपने से जो सबॉर्डिनेट्स है उनके साथ कम्युनिकेशन करता है, कभी अपने से जो सीनियर है उनके साथ कम्युनिकेशन करता है, कभी गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, कभी एम्प्लॉयज के साथ में करता है, कभी कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेशन करता है। तो एक मैनेजर सबसे ज़्यादा काम करता क्या है, कम्युनिकेशन करता है। और कम्युनिकेशन मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है, देखिए कंट्रोल क्या है, चेकिंग एंड करेक्टिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान। नियंत्रण क्या है, देखिए आपने कोई प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं, तो जो आपने प्लान के अनुसार जो आपने गंतव्य निश्चित किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए हैं, वो आपको अचीव होंगे। क्योंकि जैसा आपने प्लान बनाया है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्टेप्स आती जाएंगे जो आपने प्लान में तय किए। लेकिन जब आप उस प्लान के अनुसार नहीं चलेंगे तो वह उद्देश्य, वह जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो कंट्रोल क्या है, हमने पहले प्लान बनाया, सबसे पहले हमने प्लानिंग बनाई, ठीक है, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो ये देखना कि हमने जो प्लान बनाया है, ठीक है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे। अगर हम उस प्लान के अकॉर्डिंग चल पा रहे तो निश्चित ही हमें ऑब्जेक्टिव्स, हमें जो हमारा उद्देश्य, हमारा जो गोल है वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो प्लान के अकॉर्डिंग चलना, चेकिंग एंड करेक्ट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू प्लान, ये चेक करना और देखना कि हमारी जो एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। एक्टिविटी अचीविंग गोल्स और नॉट, हमारी जो एक्टिविटी है वो गोल्स अचीव भी कर रही है या नहीं अचीव कर रही, तो ये देखना किस में शामिल होता है, कंट्रोल में। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन है तालमेल। कोऑर्डिनेशन क्या है, तालमेल। देखिए ये दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ पास में आ रहे, कुछ ये हाथ कोऑर्डिनेट किया, कुछ इस हाथ ने कोऑर्डिनेट किया, दोनों हाथ पास में आए और दोनों हाथ एक मुद्रा में, एक कंडीशन में मिल गए, ठीक है। लेकिन एक हाथ मेरा दूर हो जाए और मैं इस हाथ को पास में लाऊं, ये हाथ तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये हाथ तो उसके पास जा रहा है मिलने के लिए, बट ये हाथ आगे नहीं आ रहा, ये हाथ इससे मिलना नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या मेरे हाथ इस अवस्था में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ये मेरे टू साइड्स हैं, वन साइड कम हेयर एंड सेकंड साइड आल्सो कम हेयर, तो दोनों मिले तो एक मुद्रा बन गई, एक कंडीशन बन गई, एक स्थिति मेरे सामने प्रकट हो गई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से संस्था में एक तरफ सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एक तरफ मैनेजर्स होते हैं। तो सबॉर्डिनेट्स एंड जो मैनेजर्स हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं,
एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, वो जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होता है। ये तो बात केवल हमने सबॉर्डिनेट्स की और हमने मैनेजर की, ठीक है। देर आर मैनी एक्टिविटीज, देर आर मैनी डिपार्टमेंट, देर आर मैनी एम्प्लॉयज, देर आर मैनी मैनेजर्स इन द फर्म। वहाँ पर बहुत से, एक फर्म के अंदर बहुत से मैनेजर होते हैं, मिडिल लेवल, लो लेवल, टॉप लेवल। टॉप लेवल के अंदर भी कभी कई सारे मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लो लेवल जो जिसे हम कहते हैं प्राइमरी जो मैनेजर्स हैं उसके अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बात कर रहे हैं उन सभी के अंदर कोऑर्डिनेट, मतलब एडजस्टमेंट विथ वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडजस्टमेंट विथ वेरियस डिपार्टमेंट पर्सन एंड एक्टिविटीज। जो एक संस्था में होने वाली अनेक गतिविधियां हैं, अनेक डिपार्टमेंट्स हैं और अनेक लोग हैं, उनके बीच में किस प्रकार से तालमेल बिठाया जाए, उनके बीच में जो बैठने वाले जो तालमेल है, जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन को कई लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। किसी व्यक्ति ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारे बॉडी की साउल की तरह है, आत्मा की तरह है। जैसे आत्मा को बॉडी से निकाल देंगे तो हमारी बॉडी डेड बॉडी कहलाती है, ठीक है, ये किसी काम की नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर कोऑर्डिनेशन को अगर मैनेजमेंट में से निकाल देते हैं तो मैनेजमेंट भी किसी काम का नहीं रहता। कुछ लोगों ने कहा है कि इट्स एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, ये प्रबंध का सार है, कॉन्क्लूजन है। कोऑर्डिनेशन जो है इट्स अ कॉन्क्लूजन ऑफ द मैनेजमेंट, यह मैनेजमेंट का सार है। कई लोगों ने कहा इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर कहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस वही है जैसे एक माला के अंदर एक धागे की होती है, अगर धागा निकाल दोगे तो माला टूट जाएगी, माला का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन को कुंट्स और डोनेल ने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा है, कॉन्क्लूजन कहा है, साउल ऑफ बॉडी कहा है, साउल ऑफ मैनेजमेंट कहा है, ठीक है। तो अभी हमने बात की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, एक टॉपिक की फंक्शन। तो की फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये की फंक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर हाजिर है होंगे, एक्सिलरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, ओके।